Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will discuss the condensation polymerization. Two types of polymerization reaction we have studied. One is addition. Other is condensation. The other one is condensation. Now, in addition, we have to use or we must have two reactive species that reacts with each other with the monomer. Reactive species react with monomer to form another molecule. But in condensation reaction, it involves two molecules which react together to form a large molecule. And production of a byproduct, either it is a water or a alcohol molecule, is evident. Esterification reaction of an organic acid with an alcohol is the common example, and through this reaction water is evolved. The reaction is like this. You can see here the equation is there, in which acetic acid CH3COOH and ethyl alcohol C2H5OH reacts to form ethyl acetate plus water. Excuse me, sir. Ji. Ji, Khadija Quraish se kaun hai sir? Chuke ki mic mute kar do uski. Mic awaaz dar. Usko hum khud mute kar dete hain. Ho gaya. Acha. Chalo ji. रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी जी इसके अंदर? इसमें भी ओरिजिनली रिएक्टिव ग्रुप्स तो हमें चाहिए ना. रिएक्टिव ग्रुप्स नहीं होंगे तो हमारा तो रिएक्शन ही नहीं होने वाला. लेकिन मॉलिक्यूल्स हमें दो चाहिए, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जिनके साथ दो रिएक्टिव ग्रुप्स भी होने चाहिए. ठीक है जी. वी मस्ट हैव टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स विच हैव टू रिएक्टिव ग्रुप्स दैट द रिएक्शन कैन प्रोसीड and capable of simple generalized reaction sequence for undergoing further condensation reaction. Reaction ko rok ke ek hi jagah pe to nahi baith jana na, to further usko aage bhi chalna hai. Now condensation polymerization for two monomers, it is monomer M1 and these are the reactive groups. This is the other monomer. If M1 and M1 are there and M2 are there, then our reaction or our monomer should be homotype, same type, na M1 M2 M2, and if it is of M1 M2 M1 M2 M3, then it should be a copolymer. Hetero. ओके सर. ठीक है जी. चलें जी, अब हम इसकी आगे देख लेते हैं जी. कंडेंसेशन कैसे होगी? रिएक्टिव ग्रुप मोनोमर, रिएक्टिव ग्रुप को मोनोमर रिएक्टिव ग्रुप. व्हाट विल हैपन्स? एक्स फ्रॉम हेयर एंड वाई फ्रॉम हेयर, दिस शुड बी गोइंग टू प्रोड्यूस अ बाय प्रोडक्ट एंड this is our condensation reaction. Then again M1 M2 and M1, they again mix up and X and Y goes there to form a byproduct. Then again M1 M2 M1 plus M2, and this Y and this X goes away and gives us a byproduct. बाईप्रोडक्ट क्या होती है जी? सर प्रोडक्ट साइड पे जो दूसरा प्रोडक्ट जो बन जाती है वो. ठीक है जी, जो हमने अभी बताया है. इफ एक्स इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड वाई इज एन अल्कोहल ग्रुप, द रिएक्शन
product already described for every condensation reaction is our water molecule. Branching and cross linking. अब इसमें भी हमारी branching तो होगी होगी और cross linking भी होगी, लेकिन cross linking के लिए हमें थोड़ा सा मसला ये होगा कि branching तो हमारी routine में हो रही है, जो हमने पीछे बनाया ये सारा X M1 Y, तो ये सारा हमारा, ये तो हमारी branching हो ही रही है ना, ठीक है जी। लेकिन अब हमारे पास, और ये जो है हमारा सिंगल वो है, सीधी सीधी branching हो रही है। cross linking के लिए हमें क्या चाहिए? ट्राई फंक्शनल मोनोमर। ये हमारा जो है ये तो डाई हो गया ना, इसके सिर्फ इधर और इधर फंक्शन हो रहे हैं, तो ट्राई वाले के एक दो और ये तीन, ये नजर आ रहा है आपको, इसके तीन एक्स ग्रुप ऊपर लगे हुए हैं, तो ये वाला जो चीज होगी ये हमारी क्रॉस लिंकिंग कर देगी। समझ आ गई इस बात की जी? यस सर। ठीक है ना जी, क्रॉस लिंकिंग के लिए हमें एक तीसरा भी फंक्शनल ग्रुप चाहिए या फंक्शनल मोनोमर चाहिए होगा, ट्राई फंक्शनल मोनोमर चाहिए होगा, जिसके तीनों जगह पे वो लड़ सके। ठीक है, आसान जुबान में ये ऑर्थोगोनल होगा। अच्छा नहीं, मैं देख नहीं रहा, मैंने आज तक एक भी उसका वो नहीं देखा, लेकिन वो नेट के ऊपर इधर उधर इतना कुछ आ गया कि बस वो सारा कुछ ही ऑर्थोगोनल ही ऑर्थोगोनल हो रहा है। अच्छा, आज हमने फेसबुक पर आपकी जी सर, अभी हमने फेसबुक पर आपकी एक पोस्ट देखी सर, वो जो डॉक्टर्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस, वो जो स्टेप लगाया हुआ था, तो वो यही है कि आप लोग इसी तरह के कहीं डॉक्टर ना बन जाओ। अभी तो एक और थी, एक दांत निकाल रहा था, आज 27 लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ लोग कम है, क्या बात है सर, पता नहीं आज इनका दिल नहीं कर रहा है। अच्छा जी, अब ये इसके अंदर हमारी ट्रू जो है वो आ गई है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के, हाउ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स। तो अगर हम इधर से देखें तो ये NH और HO2 जो है इधर से क्या हो रहा है, एक H इधर से ले रहा है और एक HO इधर से ले रहा है, तो ये हमारे पास H2O जो है ये हमारा बाहर निकल रहा है, और बाकी हमारा मॉलिक्यूल जो है वो ये सारा ये देखें ठीक होता जा रहा है। क्लियर जी, ये आप इसको अच्छे तरीके से देख लें, क्लियर है ये? Yes, sir. एक वाटर मॉलिक्यूल हर स्टेज पे हमारी बनता जाएगा, जितने भी कंडेंसेशन रिएक्शन होते जाएंगे एक एक वाटर मॉलिक्यूल आता जाएगा। इधर भी अगर देखें तो इधर एक H और एक ये दोनों अगर खत्म हो जाते हैं तो ये क्या होता है, O के साथ इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी, ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल एक हमारा इसमें बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, इसमें फिर यहाँ से फिर एच और एच ओ निकल जाएगा माइनस, और ये जो है फिर ओ के साथ वो हो जाएगा आपस में बॉन्डिंग कर लेगा और हमारा एक एक वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो है ये ब्रांचिंग होती जाएगी, जिसको कहते हैं चेन लेंथनिंग जो है वो हमारी होती जाएगी इसके साथ। ठीक है जी, क्लियर है जी? यस सर। अच्छा जी, नाउ थ्री टाइप ऑफ फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन अकर्स। नंबर वन आर द फिजिकल चेंज, सॉरी फेस चेंजेस। Number second is the temperature changes, and number third are the dimensional changes. Phase changes में क्या होगा जी? Most monomers are gases or liquids at normal temperature and pressure. ये ज़हन में थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है जी? हम तो ज्यादातर liquids के साथ ही हमारा काम होता है, लेकिन monomers जो होते हैं अमूमन gases भी होते हैं। जब हमने, अगर क्लास में कोई था उस वक्त जो हमने एक ली थी, तो हमने एक मोनोमर आपको खोल के कहा था कि इसको जरा आप चेक करें, तो उसकी कितनी अजीब सी स्मेल थी, याद है किसी को? ये सर, जो हमने स्मेल किया था। जी जी जी, बिल्कुल जी सर। तो वो जो, इसलिए वो गैसियस भी होती है ना मोनोमर, वो गैसियस किस्म का होता है वो, क्योंकि वोलेटाइल होता है, तो इसलिए लिक्विड तो होता है लेकिन वोलेटाइल भी होता है। अच्छा जी, तो फिर इसमें होता क्या है कि हम मोनोमर्स को इनर्ट फिलर्स के साथ हम उनको मिक्स कर देते हैं, और इनर्ट फिलर यूजुअली हमारे पास ग्लास पाउडर होता है, ये शीशा जो होता है ना, शीशा, ग्लास पाउडर का मतलब यही है कि शीशे को हमने काटा, बारीक किया होता है, ठीक है जी। तो इसके साथ होगा क्या, जब हम इसको फिलर के साथ हम मिक्स कर देते हैं तो उसकी हैंडलिंग हमें आसान हो जाती है, वरना तो लिक्विड है, गिर सकता है। तो जब फिलर के साथ होगा तो वो एक विस्कस, मोर विस्कस किस्म की चीज हमारे पास आ जाएगी, जैसे हमने ट्यूब्स वगैरह को देखी है, जैसे टूथपेस्ट होती है, तो इसके अंदर फिलर पड़ा होगा तो ये होगा ना, अगर सिंपल, अगर इसके अंदर ह्यूमेक्टेंट और ये जो
फ्लोराइड और ये वाटर वगैरह अगर मिक्स हो तो ये तो सिर्फ वाटरी किस्म का चीज होगी, तो ये तो आपके पेस्ट के ऊपर भी नहीं लग, ब्रश के ऊपर भी नहीं लग सकेगी, ठीक है जी। सो वी हैव टू मिक्स सम इनर्ट फिलर। इनर्ट फिलर से मुराद ये है कि वो फिलर जो हो वो किसी किस्म का कोई रिएक्शन ना कर सके। क्लियर है जी? तो अब ये जो फिलर्स होते हैं इनका क्या होता है, ये एक बेनिफिशियल इफेक्ट देते हैं सेट मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर। 27 से भी 26 हो गए हैं। अच्छा फिर आ गया, फिर गया। अच्छा जी, अब पॉलीमराइजेशन में क्या होता है जी, मॉलिक्यूलर यानी इस क्या बात है, आप क्यों अपना वो मोबाइल इसको खोल रहे हो? अच्छा जी, फिलर के साथ क्या होगा जी, इसका एक बेनिफिशियल इफेक्ट ये होगा कि ये हमें जो सेट मटेरियल, जब हमारा मटेरियल सेट हो जाता है तो वो फिलर वहीं का वहीं रुक जाता है, तो वो हमारे अच्छी प्रॉपर्टीज देता है। तो फिलर उससे पहले भी दे रहा है बेनिफिशियल इफेक्ट कि हम उसको मिक्सिंग आसान हो गई है जब वो सेट नहीं है, और उसके बाद भी डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी यही फिलर देने वाला है, हम आगे पढ़ेंगे इसको। अच्छा जी, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हमने पहले कहा था कि ये हमें मिलता है, हम उसका डेफिनेट मॉलिक्यूलर वेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी चेंज जो होती हैं छोटी बड़ी हो सकती हैं, ठीक है जी। और इसमें होता क्या है कि ये इनकी इन चेन की इंटेंगलमेंट भी होगी ना, इंटेंगलमेंट एक दूसरे के ऊपर, वो जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही है, एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रही है। सो ड्यू टू दिस इंटेंगलमेंट ऑफ चेन, विस्कोसिटी बिगिन टू इंक्रीज। तो होगा क्या, हम जिस वक्त उसको मिक्स करते हैं तो विस्कोसिटी हमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। शुरू में पेस्ट जो होती हैं, दोनों जो होती हैं वो ठीक है, एक कंसिस्टेंसी उनकी होती है, लेकिन जो ही वो मिक्स होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी और फिर होते होते वो अपनी सेटिंग की तरफ चली जाएंगी। अच्छा जी, अब इसमें होगा क्या कि आखिर में वो इंटेंगलमेंट जो है वो शुरू होती जाती हैं, एडवांस स्टेज आ जाती है, तो इतनी हो जाती है कि एक रिजिडिटी हमारे पास आ जाती है उसी मटेरियल के अंदर। मटेरियल हमारा जो होता है वो इलास्टिक से रिजिड बन जाता है, और फिर उस रिजिड जिस जिप्सम टाइप रिजिड या कोई टूथपेस्ट, ये पेस्ट ही को जैसे आप किसी दो, जिस तरह से मैं एक आम मिसाल आपको देता हूँ, आप इसको यूज करते हैं ना, ये क्या होती है मैजिक, कभी यूज किया मैजिक किसी ने? यस सर। मैजिक में यही सेम कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा होता है। तो मैजिक को आप जिस वक्त डालते हैं, दो पेस्ट होती हैं, फ्लोएबल होती हैं, हम उनको मिक्स करते हैं तो उनके आहिस्ता आहिस्ता उनकी थिकनेस ज्यादा हो जाती है, और फिर होते होते वो एक ऐसी रिजिड किस्म की उनकी आ जाती है, उसके अंदर रिजिडिटी, उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो आखिर में रिजिड हो जाती है और फिर वो बिल्कुल ही टाइट हो जाती है। और ये जो चीज होती है ये अमार्फस होती है, क्रिस्टलाइन नहीं होती है, ये ध्यान में रखें, लिक्विड से अमार्फस सॉलिड की तरफ चली जाती है। क्रिस्टल्स भी बन सकती हैं लेकिन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कुछ और होती है, हमें अमूमन डेंटिस्ट्री में अमार्फस ही मेरे ख्याल से चाहिए होती है, हमें क्रिस्टल्स की जरूरत नहीं होती है। Now, two reasons are there for conversion of monomer to declines rapidly. First is the quantity of unreacted monomer. ठीक है जी, unreacted monomer जो होता है वो हमारे पास बहुत थोड़ा सा रह जाता है ना, कि जिसने रिएक्शन और करना होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो monomer जो है वो और नहीं आगे चलेगा। और सेकंड रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा कि मोनोमर जो है वो चूंकि जो मटेरियल है हमारा वो हाईली विस्कस हो गया है, तो अब उसके अंदर पेनिट्रेशन नहीं हो सकती मोनोमर की, मोनोमर कहीं और जा नहीं सकता उस हाई विस्कस उसमें से, तो वो भी स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा और रिएक्शन फर्दर नहीं हो सकेगा, ठीक है जी। अब इसकी वजह से होगा क्या कि वो जो जो हमारे पास अनरिएक्टेड जो मोनोमर हैं वो रह जाएंगे और रेजिडुअल मोनोमर के तौर पे रह जाएंगे, जो मोनोमर जो हमारा
जो थोड़ा सा रह गया है और डिफ्यूज नहीं कर सकता, जाके रिएक्शन के अंदर नहीं मिल सकता, तो वो हमारा अनरिएक्टेड ही रह जाएगा। क्लियर है इस बात की? यस सर। अच्छा जी, तो हमने यही बात पहले की है कि हमारे पास एमार्फस जो होते हैं, मेजॉरिटी डेंटल पॉलीमर जो होते हैं वो एमार्फस होते हैं, क्रिस्टलाइन भी होते हैं, तो लेकिन वो हमें कोई खास हमारे उसमें नहीं होते हैं, यूज में नहीं आते हैं। ठीक है जी, क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, ये नहीं है कि क्रिस्टलाइन नहीं होंगे। तो जो क्रिस्टलाइन होंगे उसमें और एमार्फस में फर्क क्या होता है? क्रिस्टलाइन की जो क्रिस्टल्स होती हैं उनका एक रेगुलर पैटर्न होगा, ठीक है जी, और एमार्फस का इरेगुलर पैटर्न होगा। नंबर सेकंड है जी टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर चेंजेस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, ठीक है ना जी, इतना तो क्लियर है ना सबको, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और हम क्या करते हैं, सॉरी, जब पॉलीमराइजेशन होती है तो हीट जो होती है वो बढ़ती है। तो ये जो होते हैं इसके साथ होगा क्या, जब पॉलीमराइजेशन होगी और हीट बढ़ेगी तो इसका हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। डेंटिस्ट्री में तो बहुत मामूली सा मिकदार होती है हमारे पास, तो इसलिए अगर वो हो भी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडस्ट्रियल में जो होता है वो फिर ये होता है कि उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे हो रहा होता है, तो इसलिए उसमें प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो उसमें चूंकि एक्सेलरेशन हो जाती है रेट पॉलीमराइजेशन की, जिसमें हीट बहुत ज्यादा रैपिडली लिबरेट होती है, तो उसमें क्या होगा, एक्सप्लोजन तक हो सकती है, धमाका भी होने का खतरा होता है, लेकिन किसी मरीज के मुंह में या किसी इंप्रेशन लेते हुए या किसी और चीज में ये चीज नहीं होती, क्योंकि वो बहुत छोटा सा और थोड़ी सी चीज होती है, ठीक है जी। और सबसे कम जो होगी इंडस्ट्रियल, उसमें अगर हम कहेंगे तो उसमें क्या होगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, जिसकी वजह से उस वेसल की जो क्लीनिंग जिसके अंदर हम वो रिएक्शन कर रहे हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी। ये इंडस्ट्रियल के लिए है, ये हमारे उसमें नहीं है, डेंटिस्ट्री में ये चीज नहीं होती है। हमारे पास अगर कुछ रह भी जाता है तो क्लीनिंग बहुत आसान हो जाती है, थोड़ी सी चीज होती है, पेपर पैड होता है उठा के हम फेंक ही देते हैं, या ग्लास स्लैब होती है उसको हम साफ कर लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो हीट की डिसिपेशन का जो हमारे पास पॉलीमराइजेशन में वो है कि हम किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्या होगा कि मोनोमर को हम किसी सॉल्वेंट में पहले से ही डिसॉल्व कर लें, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा कि सस्पेंशन जो होगा मोनोमर का अमूमन वो हमारा बन जाएगा, और इसको हम अमूमन वाटर के अंदर कर देते हैं, जिसको सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि वो जिस वक्त हम मोनोमर का रिएक्शन करा रहे होते हैं, सस्पेंशन बना रहे होते हैं, तो उसकी जिस वक्त पॉलीमराइजेशन होती है वाटर के अंदर, तो वो वाटर उसकी हीट को अपने अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो डिसिपेशन ऑफ हीट वो हो जाएगी हमारे लिए। नाउ पॉलीमराइजेशन, उसके बाद अब वो जो वाटर के अंदर जब हमारा मोनोमर से पॉलीमर बन गया तो वो क्या हो जाएगा, वो एक पाउडर की शक्ल में आ जाएगा हमारे पास। तो उस पाउडर को हम कैसे कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो तो प्रेसिपिटेट में बन चुका है, तो हम उसको सीव कर लेते हैं। सीव का मतलब छन्नी, छलनी जो होती है, ज़हन में आ गई सीव किसको कहेंगे? यस सर, सर वो जैसे वो चाय, चाय भी वो करते हैं। बलबेल किसको कहते हैं? हाँ, बलबेल। चलो अच्छी बात है, नहीं जानते तो तुझे किसी उधर भेजेंगे हम तंदूर के ऊपर, वहाँ कलबेल इस्तेमाल। अच्छा चलो जी, चलो आगे आज खत्म हो जाए चैप्टर थोड़ा सा। अच्छा जी, तो इसके बाद क्या होता है कि जब हमारे पास ये आ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमारे पास अमूमन जितने भी मोनोमर्स जो होते हैं वो पॉलीमर में जो कन्वर्ट हुए होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड शेप में जब हम लेकर जाना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उनको थ्रू हीट के
या प्रेशर के या हीट और प्रेशर दोनों के थ्रू हम उसको यूज करते हुए उनसे हम कोई भी चीज रिक्वायर शेप वगैरह या मोल्ड हम उस किसी भी चीज का बनाना चाहें, मोल्ड के अंदर उसको इंजेक्ट करना चाहें तो हम उसको कर सकते हैं ज्यादातर। तो इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन मोल्डिंग कहते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग में हम हीट और प्रेशर के थ्रू किसी भी चीज की शेप दे सकते हैं। ठीक है जी। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स वो कहते हैं ऑफन क्योर्ड इन बल्क इन द एब्सेंस ऑफ वाटर और सॉल्वेंट। तो ये भी अमूमन हमारे पास एक वो होता है कंडेंसेशन में, चूंकि उसका अपना एक पानी उसमें मिल रहा है तो इसके अंदर ये भी हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है जी। तो लेकिन सर इस पॉइंट की समझ नहीं आई, ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स वाली की। हाँ हाँ जी क्या दैट कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर ऑफन क्योर्ड इन बल्क। तो इसमें ये होता है कि हम इसको जब भी क्योर करना चाहते हैं ना कंडेंसेशन पॉलीमर्स को, तो हम इनको बल्क में कर लेते हैं वाटर या सॉल्वेंट की किसमें एब्सेंस में। और ये भी ज़हन में रखें कि इसमें मोनोमर की अब बात नहीं हो रही है, पॉलीमर्स की बात हो रही है। ठीक है, समझ आ रही है? पहले जो बात हुई है वो मोनोमर की हुई है कि मोनोमर से हमने पॉलीमर बना रहे थे तो हमें वो पानी और वो हर चीज चाहिए होती थी जिसमें हीट डिसिपेट हो, लेकिन अब पॉलीमर जो है उनको क्योर कर रहे हैं हम। पॉलीमर बन गए हैं, अब उसके बाद हम उसको इंजेक्शन मोल्डिंग वगैरह के थ्रू हम वो कर रहे हैं। ठीक है। और उसके लिए कि हमें हीट चाहिए और प्रेशर चाहिए, इसलिए हम उसको इंजेक्शन मोल्डिंग कह रहे हैं। अब क्लियर हुई इस बात की? यस सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू जी। अच्छा जी, नाउ रिएक्शन जो है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन किया जाता है। ठीक है जी। और उसको हाल्ट किस तरीके से करते हैं? कूलिंग के थ्रू। अगर थोड़ा सा प्रोपोर्शन जो है रिएक्टिव ग्रुप्स का कन्वर्ट हो चुका हो तो ठीक है जी। इसमें होगा क्या, जब थोड़ा सा पोर्शन हमारे पास कन्वर्ट हो चुका होगा मोनोमर का, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये हमारा जो मोनोमर अगर जब थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ होता है तो फिर हमारा जो मटेरियल होगा वो फ्लूइड होगा और हम उसको मोल्ड भी कर सकेंगे। ठीक है जी। तो इस स्टेज के ऊपर अगर हम उसकी पॉलीमराइजेशन को हम कंप्लीट करना चाहेंगे तो ये जो होगी ये मोल्डिंग स्टेज आ जाएगी। ठीक है जी। और मोल्डिंग स्टेज के अंदर हमारी पॉलीमराइजेशन फिर हो जाएगी। क्लियर हुई इस बात की जी? यस। पार्शियली पॉलीमराइज्ड मोनोमर अगर किसी जगह पे हमारे पास है ना, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम उसको पॉलीमराइजेशन को मोल्डिंग की स्टेज के अंदर ही हम पॉलीमराइजेशन कंप्लीट कर सकते हैं और करते भी हैं। सर वो किस तरह? बेटा इस तरह के उसके अंदर हमारा अभी पॉलीमर तो अभी मोनोमर मोनोमर पॉलीमर में बना ही नहीं है ना, तो जो ही हम मोनोमर और पॉलीमर को हम इकट्ठा कर रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे भी आगे, तो उसके अंदर क्या होगा कि हम उसको मोल्ड जहां पे हम करने जा रहे हैं वहीं पे ही हमने उसको अलाउ कर देना है कि उसी के अंदर उसकी पॉलीमराइजेशन हो जाए। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। यस सर। तो अदरवाइज तो वो जब हो चुका होगा तो फिर हम उसको हीट और प्रेशर के थ्रू करेंगे ना मोल्ड जब करेंगे तो। यस सर, ठीक है ना। तो इसमें जब हमारे पास मोनोमर भी पड़ा हो और पॉलीमर भी पड़ा हो तो फिर हमें हीट और प्रेशर वगैरह इतना देने की जरूरत नहीं होगी, हम उसको उसके मतलब प्रेशर तो हम देंगे लेकिन हीट वगैरह देने की हमें जरूरत नहीं होगी। नाउ इन डेंटिस्ट्री डेंटल पॉलीमर्स आर यूजुअली यूज्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज। ठीक है जी। सो द टेम्परेचर राइज इज स्मॉलर। ठीक है जी। सो आवर रिएक्शन शुड बी अंडर आवर कंट्रोल। ठीक है जी। अनकंट्रोल हीट उसमें नहीं निकलेगी। नाउ पॉलीमराइजेशन इन बल्क इज पॉसिबल। बल्क से मुराद डेंटिस्ट्री के लिए जितनी चाहिए होती है, ये नहीं है कि बल्क से मुराद को 50,000 किलो। ठीक है ना जी, थोड़ी सी जो हम करते हैं ये 50 ग्राम 100 ग्राम ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी।
इस वजह से, और ये तो बहुत ज्यादा है 50 ग्राम 100 ग्राम, अगर बात करें ओरिजिनली अगर हम दांतों के अंदर या इंप्रेशन अगर ले रहे हैं तो इंप्रेशन में तो सारा 20-25 ग्राम ही आ जाएगा, 30 ग्राम आ जाएगा, 50 ज्यादा से ज्यादा चले आप लिख लें उसको। तो इस वजह से हम इसको इन सीटू या इन साइटू जिसको कहते हैं, यानी कि हमारे लिए तो इन साइटू वो होगी ना कि जिसमें हम माउथ के अंदर हम उसको कर सकें, तो माउथ के अंदर हम उसकी पॉलीमराइजेशन को कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बल्क होगी पूरा मुंह के अंदर अगर हम पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं तो। अच्छा जी, तो इसमें थोड़ी बहुत जो इंक्रीज है ये हम आगे भी जाके पढ़ेंगे कि 1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक उसमें होती है और दूसरे में उससे भी ज्यादा होती है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक चली जाती है शायद तकरीबन। तो वो जो दोनों चीजें हम देखेंगे कि ये जो है अगर इंक्रीज हम किसी कैविटी में कर रहे हैं, किसी दांत में और पल्प नजदीक है, तो वो हमारी पल्प को डैमेज कर सकती है। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज है, अगर एलिवेटेड टेम्परेचर के ऊपर हमने पॉलीमराइजेशन करा दी है, ठीक है जी, तो फिर क्या होगा, उसमें हमारा जो अनकन्वर्टेड या रेजिडुअल मोनोमर जो हमारा था वो क्या होगा, वो वेपराइज आउट हो जाएगा या वेपर आउट हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। तो इसकी वजह से फिर हमारे पास वॉइड्स आ जाएंगी जिनको हम गैशियस पोरासिटी कहते हैं। तो ये गैशियस पोरासिटी हमारे पास एक तो कास्टिंग में भी आती है और दूसरी हमारे पास पॉलीमर्स में भी आती है। नाउ द थर्ड वन इज द डायमेंशनल चेंजेस। डायमेंशनल चेंजेस आर ऑब्वियस ड्यू टू द जी, क्या होगा, किस वजह से होंगी हमारे पास सर, जो मोनोमर्स कन्वर्ट नहीं हुए उसकी वजह से भी आ सकते हैं, उसकी वजह से तो चलो जो होगी होगी, लेकिन सबसे अहम चीज ये है जो बाई प्रोडक्ट हमारे पास होगी वो आखिर में निकल जाएगी ना बीच में। यस, ठीक है ना जी। तो वो बाई प्रोडक्ट जब हमारी जाएगी तो उसमें क्या होगा, श्रिंकेज हो जाएगा, ठीक है जी। तो वो कंट्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है, ये होती है जो लेस स्पेस उन्होंने जो स्पीशीज ने पकड़ी हुई होती है, वाटर भी इवेपोरेट हो गया है ना, वाटर भी इवेपोरेट हो जाता है, अल्कोहल होगी वो भी इवेपोरेट होगी, तो जब वो इवेपोरेट होगी तो वो फिर क्या होगी, स्पेसेस हमारे पास कम होती जाएंगी सर जी। लेकिन ये तो सिर्फ कंडेंसेशन में होगा ना, एडिशन में तो नहीं होगा, हम पढ़ रहे हैं ना भाईजान। यस सर। No, like addition polymer में नहीं होगा, condensation polymer में होगा। जी 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 जी, हम उसी की फिलहाल बात कर रहे हैं, तो उसी के अंदर ये dimensional changes आती हैं, आती उस दूसरे में भी हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा कम आती हैं इससे। अच्छा जी। Okay sir। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे reaction जो होता है वो बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं polymerization के अंदर, तो श्रिंकेज बहुत ज्यादा हमारे पास होती है। जैसे मिथाइल मेथैक्रिलेट जब हम करते हैं पॉलीमिथाइल एक्रिलेट में, तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज जो होती है वो 21% हमारे पास आ जाती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। तो ये जो होती हैं, अब इतनी ज्यादा डायमेंशनल चेंज अगर आ जाए तो ये अनएक्सेप्टेबल होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं जो हम रिड्यूस कर सके इसको, ठीक है जी। तो इसमें हम फिर क्या करेंगे, फिलर्स वगैरह डालने की कोशिश करेंगे। तो ग्लास पाउडर हमने कहा था हम डाल देंगे, ठीक है जी। उसके अलावा एक और काम ये करते हैं श्रिंकेज के लिए कि हम ओवरफिल कर देते हैं मोल्ड को, मोल्ड के अंदर कुछ ज्यादा चीज डाल के हम उसको प्रेशर प्रेस करते हैं, और फिर उसकी कंट्रैक्शन जो है पॉलीमराइजेशन जब अंडर प्रेशर होगी तो फिर क्या होगा, मोनोमर जो है वो पॉलीमराइजेशन कंट्रैक्शन को वो उसके अंदर वो जाते रहेंगे, क्योंकि प्रेशर ऊपर है ना, प्रेशर उनको नीचे ले पहुंचा देगा। क्लियर है जी इस चीज को? यस सर। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा जी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होंगे वो क्या करेंगे, वो सिंगल में कन्वर्ट होंगे। हाँ, तो उसके साथ क्या होता है वहां पे सर, वो बाकी मोनोमर जो है हमारा 20 GMA जो हमारा एक वो है, उसके अंदर जो हमारी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है, तो मेथैक्रिलेट की निस्बत, तो उस वजह से हमारी पॉलीमराइजेशन थोड़ा कम हो जाती है। तो श्रिंकेज पॉलीमराइजेशन की 20 GMA की वो लोअर होती है मिथाइल मेथैक्रिलेट के से, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, यूरेथेन एक्रिलेट्स और मेथैक्रिलेट्स
ठीक है ना, इन दोनों को हम क्या करते हैं या बिस जीएमए को उसके अंदर हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, इसमें इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं टू लोअर द पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज। अच्छा, डबल बॉन्ड जो होते हैं ये इनके दरमियान में टर्मिनल रिएक्टिव डबल बॉन्ड जो होते हैं इनमें जो स्पेस होती है ये भी जो होती है ना ये ज्यादा होती है, तो इस वजह से ये जो डाइल्यूट कर देती हैं किस चीज को, श्रिंकेज को, और श्रिंकेज एक्सटेंड जो होता है ये हमारा कम हो जाता है, जितने डबल बॉन्ड हमारे दूर दूर होंगे उतना श्रिंकेज हमारी कम होगी। ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, अगर आप देखें ये डबल बॉन्ड है, ये जो पहला ये बिस जीएमए है, ये देखें कितने कितने दूर है इसके डबल बॉन्ड्स, ये दूसरे वाले जितने भी है ये नजदीक नजदीक है डबल बॉन्ड, ये इधर से इसके नजदीक आ जाता है ये, और इसमें तो बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाता है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे। इसके बाद जी हमारे पास स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो क्या होगा, इसमें जो कंट्रोल करती हैं हमारी प्रॉपर्टीज को उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो रिपीटिंग यूनिट्स को और को पॉलीमर्स को हम यूज करते हैं, जो हमने पहले बात की थी कि को पॉलीमर्स अगर हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारे पास M1 और M2 जो हमने यूज किया था, तो ये हमारा फैक्टर एक ऐसा होता है जिससे हमारे पास जो है एक का जो है मोनोमर जो है उसका श्रिंकेज ज्यादा है एक का कम है, तो वो क्या हो जाएगा कंपनसेट हो जाएगी हमारी श्रिंकेज जो है। मॉलिक्यूलर वेट और चेन लेंथ ये भी डिटरमिन करती है हमारी प्रॉपर्टीज को, अगर वेट ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर वेट और चेन लेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा और चेन लेंथ भी कम होगी तो हमारे पास क्या होगी श्रिंकेज भी कम होगी। डिग्री ऑफ चेन ब्रांचिंग जो है, अगर चेन ब्रांचिंग हो रही है उसकी डिग्री जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उससे भी हमारी हो जाती है। क्रॉस लिंकिंग और क्रॉस लिंक डेंसिटी अगर हमारे पास ज्यादा है तो फिर क्या होगा उसमें भी क्रॉस लिंकिंग की वजह से हमारी श्रिंकेज जो है वो क्या होगी हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से प्लास्टिसाइजर या फिलर जब हम डाल देते हैं तो फिर भी हमारी उसमें क्या होगा हमारे पास जो है श्रिंकेज जो है वो हम कम कर सकते हैं। अब इसमें दो प्रॉपर्टीज आती हैं जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जिसको कहते हैं टीजी और मेल्टिंग टेम्परेचर, तो ऑलरेडी डिस्क्राइब दैट वी हैव एमॉर्फस स्ट्रक्चर सो नो डेफिनेट मेल्टिंग टेम्परेचर इज देयर, एंड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है जी, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे सारे के सारे मॉलिक्यूलर चेंज जो है वो हम उसको मूव कर सकें एक ही टेम्परेचर पे। ठीक है जी, और हाँ, और यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर हमारे पास क्योंकि डेफिनेट नहीं होता तो किस में होता है एमॉर्फस में, तो हमारे पास ज्यादातर एमॉर्फस ही होते हैं। क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स में अगर होगा तो उन दोनों का एक डेफिनेट हमारे पास दोनों चीजें होंगी, लेकिन ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एमॉर्फस हो चाहे क्रिस्टलाइन हो दोनों का सेम होता है। तो एमॉर्फस में हमने पहले बात की है एग्जिबिट ओनली ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड मोर वाइडली यूज इन डेंटिस्ट्री एमॉर्फस पॉलीमर्स। Now, glass temperature is a temperature at which molecular motion becomes such that whole chains are able to move. सारी की सारी chain. इसकी example आपको ये बताता हूँ. Chewing gum है आपके पास. Chewing gum को आप थोड़ा सा धूप में रखें तो देखें आप उस chewing gum को manipulate कर सकते हैं, वो हिला जुला सकते हैं, वो आप जिस तरह की shape उसको देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन अगर उसको आप फ्रीजर में रख दें तो उसकी जो शेप होगी वो बिल्कुल एक ही जैसी हो जाएगी, मतलब जो भी उसकी शेप होगी वो उसी के ऊपर रहेगी, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकेंगे। क्लियर हुआ जी सर जी? ये एमॉर्फस पॉलीमर्स की ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होगा वो तो स्पेसिफिक नहीं होगा ना? नहीं, उसका स्पेसिफिक होगा, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर स्पेसिफिक होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर उसका नहीं होगा स्पेसिफिक, वो रेंज में जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद जी ये जो टेम्परेचर होता है ये ग्लास ट्रांजिशन ये सॉफ्टनिंग टेम्परेचर के नजदीक नजदीक होता है, जैसे हमने कहा च्युइंगम को गर्म करें तो वो या हीट पे रखें तो वो सॉफ्ट सी हो जाती है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा जो है आप उसको कह लें सॉफ्टनिंग से जरा सा ऊपर होता है। ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी इसको मैकेनिकली करते हैं हम कहां पे, सडन चेंज इन इलास्टिक मॉडुलस जहां पे हमें आ जाए मैकेनिकली हम वहां पे इसको देख सकते हैं।
ये इसकी दो डेफिनेशन बन जाती हैं, ठीक है जी, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की। रिजिडिटी, सीधी सी बात है, रिजिड सॉलिड होते हैं अमॉर्फस जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, ठीक है जी, क्योंकि पहले हम उसको बात कर चुके हैं कि रिजिड सॉलिड कैसे होगा कि जब हमने उसको मिक्स किया, जैसे हमने बात किया है उसकी, वो क्या थी हमारी वो मिक्सिंग के क्या कहते हैं मैजिक के बारे में, ठीक है सर, मैजिक। तो इसमें भी थोड़ा सा हम एक काम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा रिजिडिटी के लिए कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो होगा क्या जी, होगा ये कि इसमें हम ये एक चीज करते हैं कि क्या करते हैं जी, ये इसमें फिर इधर जाते हैं जी और इसको फिर इधर कर लेते हैं। ये आ गई जी आप लोगों की अटेंडेंस, आज आप 31 लोग हैं, मतलब 30 होते हैं तकरीबन, एक मैं होता हूँ साथ, इसलिए 31 हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा रह गया है। तो रिजिडिटी जो है उसके अंदर हमने बात की थी, रिजिडिटी जो होती है वो हमारी ज्यादातर जो है उसमें टीजी जो है हमारा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो जैसे अब हम देखें कि पॉलीमर जो होते हैं, डेंचर जिससे हम बनाते हैं, डेंचर मतलब जो दांत हैं, तो उनकी टीजी जो होती है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड जी। तो अगर 60 हम सिर्फ सोच रहे हैं कि 60 अगर हो तो क्या होगा, हम जो चाय पीते हैं वो तो 60 से काफी ऊपर होती है, बाद ऐसे होते हैं वो 90 डिग्री पे भी पी रहे होते हैं, लेकिन 70 डिग्री तो कम से कम होती है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हमने डेंचर बना लिया जो कि 60 डिग्री जिसकी सेंटीग्रेड उसकी टीजी है, तो क्या होगा, जो ही है वो चाय पिएगा वो डेंचर जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा, वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो ये टीजी की हमारे पास प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। क्लियर हुई जी बात? यस सर, सबको। चलें अब फिनाइल ग्रुप्स के अंदर, अगर हम ये कहते हैं कि ये अगर फिनाइल ग्रुप्स हमारे पास होंगे इसके अंदर पॉलीमर के अंदर, तो बैकबोन तो ये हमारी उसको वो करता है ना, पॉलीमर की जो स्ट्रक्चर होती है,